अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उस्मान वर्ड्स। आज की इस वीडियो में हम सूर्या कुमार यादव और मोहम्मद रिजवान को आपस में कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सूर्या कुमार यादव इंडिया के एक स्टाइलिश बल्लेबाज हैं और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी बैटिंग में काफी निखार लाए हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद रिजवान 27 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 1373 रन बना चुके हैं। इनकी एवरेज 38 की है, जिसमें इनके 750। सूर्या कुमार यादव एक मैच खेले हैं और इन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए और इनकी एवरेज 8 की है इन ओडीआई मैचेस। मोहम्मद रिजवान 52 मैचेस में 1247 रन बना चुके हैं, जिसमें इनकी एवरेज 32 की है। मोहम्मद रिजवान के ओडीआई कैरियर में 850 और 200 शामिल हैं। सूर्या कुमार यादव 21 मैचेस में 433 रन बना चुके हैं, इनकी एवरेज 27 की है, जिसमें इनके 250 शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान इन टी20 80 टी20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें इनके रन 2635 हैं, इनकी एवरेज 48 की है। मोहम्मद रिजवान टी20 कैरियर में 2350 भी बना चुके हैं और 100 भी शामिल है। सूर्या कुमार यादव 48 मैचेस में 1675 रन बना चुके हैं, इनकी टी20 की एवरेज 46 की है। सूर्या कुमार यादव 1350 बना चुके हैं और 300 बना चुके हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।